हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मनीषा। दोस्तों, आज मैं लेफ्ट ओवर राइस के पकोड़े यानी के बचे हुए चावल के पकोड़े कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी। आपको मेरा ये रेसिपी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुक किया हुआ चावल 3 कप जितना लिया है। को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब स्मॉल साइज के छोटे से बॉल्स बना देना है। अब ऑयल को मीडियम आंच पे गरम करके उसमें डीप फ्राई करना है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। राइस पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है कि अब ये हमारे क्रिस्पी राइस पकौड़े तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को घर पर बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बना है। दोस्तों, आपको मेरा ये राइस पकोड़ा रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मेरे वीडियोस को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरे वीडियोस को मेरे दूसरे सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो।